उसामा एक नाजरीन को देते चले जो आप तजिया दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर की तबीयत नासाज होगी। हम्माद अजहर वजीर आजम हाउस में बेहोश हो गए। हम्माद अजहर को वजीर आजम हाउस में तिब्बी इमदाद भी दी गई है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर जो है वजीर आजम हाउस में थे, काबीना का इजलास हो रहा था तो उनकी तबीयत नासाज हुई और वो बेहोश हो गए। गुलाम मुर्तजा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी काबीना वजीर आजम की जनसदारत जारी था कि रोज़ा के बायस पानी की कमी से वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर जो है उनकी तबीयत नाटाज हो गई और वो वजीर आजम हाउस में ही दौरान इजलास बेहोश हो गए। उन्हें फौरी तौर पर वजीर आजम हाउस के तबी अमले ने इमदाद फराहम की और उन्हें चेकअप किया। उसके बाद अभी उनकी जो तबीयत है वो बहाल हो रही है और डॉक्टर्स ने उन्हें रोज़ा अफ्तार करने का मशवरा और इसके बाद उनको दोबारा चेकअप के लिए पोली क्लिनिक ले जाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, हमें तफसीलात से आगे। हालत में थे वजीर तवानाई हम्माद अजहर और उनकी तबीयत नासाज हो गई। हम बात कर रहे थे आज जो कल फैसला आया और उसके बाद अगले आने वाले मुमकिनात के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करूँगा फैसल अजीज़ साहब का, नज़ीर अगारी साहब का, शायक उस्मानी साहब हमारे साथ, मोहम्मद उसामा गाजी आपका भी शुक्रिया। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।